जय हिंद दोस्तों। दोस्तों फाइनली आदिपुरुष मूवी का ट्रेलर 3 अक्टूबर 2022 को अयोध्या में रिलीज होने जा रहा है। तो आदिपुरुष मूवी आ रही है प्रभास की, कितने एक्साइटेड हुआ? प्रभास नाम ही काफी भाई। मैम आपको क्या लग रहा है, कितने एक्साइटेड हुआ? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेरे फेवरेट एक्टर हैं और उनकी पहली मूवी भी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, बहुत अच्छा एक्ट किया था, रामायण पर बेस्ड थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी जो ये आदिपुरुष आया है ये रामायण पे बेस्ड है और ये अयोध्या में इसका ट्रेलर लॉन्च होने वाला है 3 अक्टूबर को, तो क्या लग रहा है मूवी कितनी हिट होगी? रिकॉर्ड तोड़ जाएगी भाई ये। आप कुछ क्या कहना? रॉक। थोड़ा सा आप प्रभास के रिगार्डिंग कुछ बोलना चाहोगे? ही इज़ माई फेवरेट एक्टर एंड उनकी एक्टिंग मुझे पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और लड़कियाँ तो उनकी बहुत ज़्यादा फैन है और मैं तो बहुत हार्डली फैन हूँ उनकी। क्या लग रहा है जब ये मूवी आएगी तो बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाएगी? बिल्कुल मचाएगी, बहुत ज़्यादा। सर आपको क्या लग रहा है? आप बस रिव्यू लेने के लिए रेडी रहो भाई, ताबड़ तोड़ जाएगी मूवी। प्रभास तो ब्रांड है भाई एक पूरा। इसका कारण ये है कि रामायण की शुरुआत अयोध्या से हुई थी, इसीलिए इस मूवी का जो ट्रेलर है उसको भी अयोध्या में ही लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि यह मूवी पूरी तरह से रामायण पर बेस्ड है। डिफरेंस तो इन्वेस्टमेंट ही होती है, उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की वजह ये है कि उनकी कोई भी मूवी आती है तो वो इतना बड़ा मुल्क है वहाँ पे खाली सारे सिनेमा में लगे तो उनके बजट पूरा हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवी को बनाने में तकरीबन 600 से 650 करोड़ तक का खर्च आया है। इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा हाइप बन चुका है, जिसके प्रॉपर 3 कारण है। पहला कारण ये है कि यह बाहुबली सुपरस्टार प्रभास की मूवी है। दूसरा कारण ये है कि यह रामायण पर बेस्ड है। तीसरा कारण ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई ग्राफिक्स आपको देखने मिलेगी। इंडिया का भी ये है ना कि वो जब फिल्म बनाते हैं ना तो वो सोच समझ से बना लेते हैं, क्योंकि उनका तो पुराना तजर्बा है, ठीक है, और पाकिस्तान तो अभी भी न्यू शुरू किया, लिहाजा जैसे पंजाब नहीं जाऊँगी, ठीक है, इसी तरह और न्यू मूवीज़ जो आ रही है ना आजकल, ये जरा थोड़ी सी अच्छी है। इस मूवी में आपको बाहुबली सुपरस्टार प्रभास भगवान राम के किरदार में देखने को मिलेंगे, कृति सेनन सीता माता के किरदार में देखने को मिलेंगी और जो सैफ अली खान हैं वो रावण के किरदार में देखने को मिलेंगे। हालांकि अब आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी बाहुबली के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं, आप मुझे नीचे कॉमेंट में बताएं। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।